हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का टाइम है और आज नंदिनी तो स्कूल में गई हुई है। तो जी, सब लोग प्रीति के बारे में बहुत सारे सवाल कर रहे थे, काफी दिन से कर रहे हैं। तो जी, पहले तो आप प्रीति से मिल लीजिए। अभी वो बहुत ठीक है, तो 2 महीने में बहुत कुछ घटा है उसके साथ में। तो पहले मैंने बताया था कितने सारे लोगों को, लेकिन एक चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। मैंने बताया था कि उसका बेड रेस्ट चल रहा है। एक दो को मैंने बताया था कि उसकी प्रेगनेंसी भी है। जब लोग खूब पूछने लगते हैं, लेकिन कुछ उसमें अच्छे तरीके से पूछते हैं, कुछ गलत तरीके से पूछते हैं, क्योंकि हर तरह का इंसान व्लॉगर को देखता है। और व्लॉगर एक ऐसा पर्सन है, उसे अपने घर के साथ साथ व्लॉगिंग भी करनी पड़ती है। यही उसका डेली रूटीन हो या फिर कहीं आने जाने का हो तो उसे वो करना पड़ता है। तो जी, मैं और माँ बच्चों को और घर को मेंटेन कर रहे हैं दोनों मिलकर। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि वो लेट ही रहे हर वक्त, लेकिन क्या करें, कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ में ऐसी हो गई थी कि जो ठीक नहीं थी। प्रेगनेंसी थी उसकी, तो उसमें फीवर में उसको ब्लडिंग शुरू हो गई थी अचानक से। जो एंटीबायोटिक लगे उसे वो नुकसान दे रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद में हमने लेडी डॉक्टर को, क्योंकि पहले प्रीति ने हमें बताया नहीं था, मेरी तबीयत खराब चल रही थी उस टाइम पे, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी उस टाइम, ये बता नहीं पाई। जब इसने बाद में बताया, उस दिन इसको दवाइयाँ लगी और कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसने तब बताया। उसी दिन हम इसको शाम के टाइम हॉस्पिटल में ले गए, तो अल्ट्रासाउंड कराया। हार्ट बीट बच्चे की सही थी और ब्लडिंग इसको चली रही थी कंटिन्यू। तो डॉक्टर ने बोला था कहीं कहीं बच्चों के साथ में, मतलब कहीं कहीं बार किसी केसेस में ऐसा हो जाता है कि ब्लडिंग चलती रहती है, बच्चा सेफ रहता है। तो उसी को लेकर हमने सोचा चलो भाई, ट्रीटमेंट इसका चल रहा था और 3-4 बार डॉक्टर ने हार्ट बीट भी इसकी चेक की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया। 4 दिन पहले मेरा व्लॉग नहीं आया था, तो इसका मिसकैरेज हो गया था प्रीति का, इसी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आया था। और देखो, मैं इसके पास में रोज कैमरा लेकर आऊं और ये लेटी रहती थी। थोड़े से देखो चिड़चिड़ापन भी होता है प्रेगनेंसी में, कभी कभार हो जाता है। बच्चे भी मतलब पसंद नहीं करते इस चीज को, छोटे बच्चों के माइंड पे बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का, लेकिन वो क्या कर सकती है। थोड़ा बहुत जितना होता था उससे वो करती थी, लेकिन उसके बाद में डॉक्टर ने बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया था, जैसे चलने फिरने का, सब्जी काट देना, कपड़ों की तह बना देना, वो सब करती थी। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि भले ही आप ये सोचे कि आपके बॉडी को मतलब काम करने की आदत है, लेकिन इस टाइम आपको रेस्ट करना पड़ेगा। इतना रेस्ट करने के बाद में भी कुछ हासिल नहीं हुआ, उसकी प्रेगनेंसी खराब हो गई। देखिए, और इसको आरुषि के टाइम से पहले भी एक बार फिर उसको ऐसा हुआ था। शुरू से ही ट्रीटमेंट कराना पड़ता है इसका। और जब नंदिनी थी, जो हमारे सब्सक्राइबर है, हमें पहले से देख रहे हैं, नंदिनी पैदा होने वाली थी उस टाइम भी इसको बेड रेस्ट ही बताया गया था। तो इसके साथ में ऐसा ही होता है हर बार। तो ट्रीटमेंट चलता है प्रॉपर, बेड रेस्ट, और डॉक्टर बोल ही देती है कि ज्यादा काम नहीं करना है आपको, भले ही आदत हो करने की। ये बोल रही थी डॉक्टर को कि मुझे तो आदत है इतना काम करने की प्रॉपर, यही हमारा जो डेली का काम होता है, कपड़े लत्ते रोटी, यही काम होता है बस हमारा, ज्यादा कुछ हार्ड वर्क तो है नहीं करने को, डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो जी, आप सब मिल लीजिए और आप सबके आई होप कि सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि इस बीच में बहुत ज्यादा ट्रोल हुई हूँ, क्योंकि कि तू दिखा नहीं रही। अगर कोई बंदा रेस्ट कर रहा है और मैं उसके पास में बार बार जाऊंगी, प्रीति तू बैठ जा मुझे तेरे साथ वीडियो बनानी, तो इंसान इरिटेट होता है बहुत ज्यादा, बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, या फिर मैं ही हूं अगर कोई बीमार है उस टाइम पे। तो जी, मिल लीजिए, तो प्लीज प्रे कीजिए कि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, आप देख रहे होंगे इसके चेहरे से। जल्द से जल्द ये स्वस्थ हो जाए, हम तो प्रभु से ये कामना करते हैं, अपने बच्चों के पास में स्वस्थ रहे। तो ये सारी चीजें किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं और प्रीति पूरा घर संभालते हैं, पूरा काम करते हैं, 5 बच्चों का काम थोड़ा नहीं होता, और हमारी फैमिली भी जो इन फैमिली है, तो उस दिन से माँ को कितना काम करना पड़ता। अगर तू कपड़े धोया तो मैंने सोच लू चल खाना बना दू, अगर तू खाना बनाने लगा तो मैंने सोच लू चल तू पोछा लगा दे, घर में इतने सारे काम है अकेली कैसे करेगी। तो मैं भी कहे मैंने कहे मैं लगी रहूं, मगर चलो ठीक ठाक हो जा, अगर वो मेरी मेहनत भी मेरे असूल नहीं हुई। जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखो, अपने आप को एक इंसान को संभालना बड़ा मुश्किल हो, खासकर ऐसे टाइम पर। और माँ ने पूरे घर को संभाला है, हमें भी, अपने आप को भी। माँ तो माँ होती है, माँ से ज्यादा बड़ा योगदान और त्याग कोई नहीं कर सकता, कोई भी। और जो उनकी दिली इच्छा है ना, वो पूरी हो जाए तो और भी अच्छा रहता, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, हम सबको ऐसे ही रहना पड़ता है।
ऊपर वाले को ये चीज नहीं मंजूर थी तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एक इंसान का करना कर्म होता है, फल देना या देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो भगवान के हाथ में है, जो मारता हुआ है, जो हमारा करने का कर्म है हम तो वो ही कर सके। नहीं तो माँ की इतना काम कर लिया तो ये चाह रहे हैं, चल रहे ये ठीक ठाक चाह, इनके बच्चे ठीक ठाक चाह, बस इनमें हम भी खुश रह गए, खुशहाल रह गए। क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ में खुश रहते हैं, अगर उनके बच्चे परेशान रहेंगे दुखी रहेंगे तो माँ बाप की आत्मा भी सुखी नहीं रहती कभी भी, भले ही कोई कैसा भी अपने मन में सोचता रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे इस बीच में प्रीति के लिए बहुत ऐसे कमेंट आए, तो ऐसा नहीं है कि हम देखते नहीं, लेकिन देखते हैं और मेंटली डिस्टर्ब है। तो मेरा डेली रूटीन आ रहा है वो इसीलिए कि भाई फोन आने शुरू हो जाते हैं कि आज लोग क्यों नहीं है, आज लोग क्यों नहीं है। मैं सोचती हूँ आज तैयार हूँ बताने के लिए, आज तैयार ही हूँ, क्योंकि मेंटली जो है प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को बताने के लिए। अब तक तो हम इंतजार कर रहे थे 5 महीने का, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 5 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ये अपना थोड़ा थोड़ा सा काम कर सकती है, ज्यादा नहीं, हार्ड वर्क नहीं। और नंदनी के टाइम पर भी मैंने इसे खाना नहीं बनाने दिया, क्योंकि डॉक्टर ने ज्यादा देर के लिए बैठने को बंद कर रखा था बिल्कुल। हमारे यहाँ पर खाना ज्यादा बनता है, रोटी बनाने में टाइम लगता है, तो इसी वजह से। और जो हमें 3 साल से देख रहे हैं ना, वो स्थिति को बखूबी जानते हैं। हालांकि कई लोग बोलते भी थे कि तुम्हें नंदनी के टाइम का नहीं पता क्या, और वो लोग याद रखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें वो चीज याद है कि हाँ प्रीति की कंडीशन प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसी रहती है। और देखो सबसे बड़ा दुख तो माँ बाप को झेलना पड़ रहा इस चीज के लिए, क्योंकि माँ काम भी करती है और उनका डिप्रेशन में दिमाग रहता है इतना काम करने की, हालांकि उनकी उम्र भी, लेकिन ज्यादा काम होने की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता मुझसे काम, और मुझसे भी इतना काम नहीं हो पाता ना, ज्यादा काम पानी का भी मैं कर नहीं सकती, मेरे इतना दर्द हो जा। तो इस वजह से माँ मुझे सहयोग करती रहे कि चलिए ये काम करी तो मैं इतने यू कर लू, मतलब पूरा दिन हम दोनों का ऐसे ही निकल जा। मैं तो नू लगू 5-4 बच्चे, 5-4 बड़े आदमी, जिन कपड़े धोने लगे कपड़ों में भी टाइम लगे, खाना बनाने लगे खाने में भी टाइम लगे। 1-2-4 आदमियों का हो तो चलो भाई खाना बना के चलो अपने, 2-3 आदमी है कपड़े धो लिए, 5-4 बच्चों में भी टाइम लगे, सवेरे का टाइम भी स्कूल था होंगे, उन्हें भी संभालने, खाना भी खुआना, सब दिन नहीं चला जावे पता, फिर मैं ही क्या करूँ, मैं भी नहीं सोचूँ, या अकेली परेशान रहेगा कि तो चल तू भी लग कर करवा ले। और अकेला इंसान थक के बीमार भी बहुत जल्दी होता है, अगर एक दिन मैं करूँ तो मैं बीमार हो जाऊंगी, माँ करेगी तो माँ बीमार हो जाएगी, इससे अच्छा है कि हम दोनों ही कर लेते हैं, बस यही है जी। और देख लीजिए अभी, और जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं होती, पहले मैं इसका नाम इसलिए लेती रहती हूँ वीडियो में क्योंकि ये काम करती रहती है, तो मैं बताती हूँ जैसे माँ को बताती हूँ, अब ये अंदर है और बाहर ले जाती है धूप में, तो मैं क्या दिखाऊँ आप बताओ। फिर बैड कमेंट, फिर वही कमेंट आने लगे, काम क्यों नहीं करती, क्या दिक्कत है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, क्योंकि मेंटली ठीक रहना भी इंसान का बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक ये ठीक नहीं रहेगी, जब ये अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगेगी, तब ये आपके सामने डेली आया करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी प्लीज आप प्रे कीजिए, क्योंकि अभी भी इसे खांसी के सिम्टम्स, इसके 3 महीने से बिल्कुल भी खांसी ठीक नहीं हुई, इतनी दवाइयां खिलाने के बाद में खांसी जुकाम इसका परमानेंट उस दिन से चल ही रहा है, अब तक भी बहुत ज्यादा खांसी है और खांसी से पेट पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। तो चलो खैर जी, मैंने आपका ये क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आपको मिल गया होगा, और भगवान से प्रे कीजिए कि हम लोग स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारी फैमिली में हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है, और इस टाइम हम लोग डेली इतने ज्यादा परेशान हैं, दवाइयाँ खा खा कर, दवाइयाँ ला ला कर, हर कोई हमारी फैमिली में बीमार है। इतना अच्छा खाना, शुद्ध खाने की वजह से भी, हरी ताजी सब्जियां, सारी चीजें घर की लगभग, और फिर भी इतनी सारी बीमारियां, हमारी समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें अब बिल्कुल भी। तो चलिए जी आज के श्लोक का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे आशा उम्मीद करते हैं कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और सबके लिए प्रे कीजिए, आप सब भी स्वस्थ रहे और हम सब भी स्वस्थ रहे, तभी चलकर ये जीवन की डोर चलेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।